ब्यूटीफुल फैमिली, सो वेलकम टू आवर चैनल। आज की रीडिंग हम करने वाले हैं कि वो अभी कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके बिना वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या आपकी कमी उन्हें महसूस हो रही है कि नहीं महसूस हो रही है। तो इस टॉपिक पे हम आज की रीडिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल रीडिंग है और जिनके साथ रेजोनेट करे प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी है जो कि पेड रीडिंग होती है, व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रीडिंग को। इस यूनिवर्स कार्ड में जो भी व्यूअर देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन उनके बिना क्या महसूस कर रहे हैं, इस यूनिवर्स कार्ड में क्या इनकी कमी उनके पर्सन को महसूस हो रही है, स्काई में। ओके, मेरे पास एक कार्ड आ गया है तो मैं देखती हूँ। यहाँ पे मेरे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, अगला कार्ड है मेरे पास सिक्स ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड। किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है और टू ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ मेरे पास। उसके बाद है द मैजिशियन, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स और है मेरे पास द डेविल का कार्ड। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स का कार्ड। तो ये जो है ना, हम रखते हैं यहाँ पे और कार्ड्स की ज़रूरत और पड़ी तो हम और कार्ड्स निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं साइन बता दूँ, यहाँ पे है अर्थ साइन है, एयर साइन है, वाटर साइन भी है और फायर साइन भी है। तो आपके पर्सन किसी भी साइन के हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे चारों ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे आज की रीडिंग हम कर रहे हैं कि क्या उनको आपकी कमी महसूस होती है कि नहीं होती है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे जो कार्ड्स की एनर्जीज आई हैं, देखो पहले तो उनका जो है ना, ये हार्ट ब्रेक, दिल टूटा हुआ, जख्मी है, बहुत ही पेन में है। तो पेन में क्यों है, ये थर्ड पार्टी के कारण है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आप लोगों में आपकी कमी महसूस होती है उन्हें, इनको बहुत पेन हो रहा है। क्यों पेन हो रहा है, थर्ड पार्टी ने इनका दिल तोड़ा है, थर्ड पार्टी के साथ इनका कुछ ऐसा हुआ है, झगड़ा या फिर कुछ ऐसा जो है ना, ऐसा थर्ड पार्टी के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो इनका जो है ना ब्रेकअप टाइप जो है ना दिख रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ पे द डेविल का कार्ड है तो निगेटिव एनर्जीज तो है ही आप लोगों के रिलेशनशिप में। आपके पर्सन के माइंड में बहुत सारी निगेटिविटी यहाँ पे भरी गई है और कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस कमी को महसूस तो कर ही रहे हैं। देखिए यहाँ पे, क्योंकि इनका तो हार्ट ब्रेक हुआ है, इनका दिल टूटा हुआ है और ये जो है ना पर्सन आपसे प्यार करते हैं। देखो यहाँ पे टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ये आपसे प्यार करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, किंग ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है। तो ये जो है ना, मुझे दिख रहा है कि ये आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। क्यों महसूस कर रहे हैं, थर्ड पार्टी ने इनका दिल तोड़ा है और ये अब जो है ना, इनको आपकी याद आ रही है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से। ये अब आपके बारे में सोच रहे हैं कि हाँ, मेरा पर्सन कैसा था, क्या था, मैंने क्या कुछ खोया है अपनी लाइफ में उनको ना पा करके, ठीक है। देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है ना, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, इनकी मदर भी हो सकते हैं या फिर कोई ऐसी लेडी जो इनकी बॉस हो या फिर इनका जो है ना, मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि साथ में वर्क करती होगी अगर गर्ल है तो, और अगर बॉय है तो। यहाँ पे ये भी किंग ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड भी मुझे ये भी बता रहा है कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके पर्सन के साथ तो यहाँ पे जो है ना, ये मेल अगर पर्सन है ना उनकी लाइफ में, तो यहाँ पे वो जो मेल पर्सन है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगा के आपके पर्सन के साथ रिलेशन बनाया है अपना, ठीक है, और काम निकालने के लिए अपना है, सिर्फ उन्होंने जो है ना रिलेशन बनाया था, ठीक है। उन्हें थर्ड पार्टी को बस अपना काम निकालना था और काम निकाल करके जो है ना आपके पर्सन को उन्होंने
छोड़ दिया, ठीक है, उनका दिल तोड़ दिया, हार्ट ब्रेक हो गया उनका, और उनको जो है ना अब आपकी कमी महसूस हो रही है। थर्ड पार्टी थी तो उनको कुछ चाहत ही नहीं थी, कोई परवाह ही नहीं थी, लेकिन अब जो है ना इनको क्या है कि थर्ड पार्टी ने भी इनका दिल दुखाया है, इनको हर्ट किया है जिस तरह उन्होंने आपको हर्ट किया। तो अब जो है ना उनको आपकी याद आ रही है, आपको आपकी कमी उन्हें महसूस हो रही है। देखो अब जो है ना इनकी कमी महसूस आपको कमी आपकी कमी महसूस हो रही है उन्हें, और अब क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन की, मुझे अब अपने पर्सन के पास जाना है, उन्हें वापस लाना है, अपनी लाइफ में वापस लाना है, अपने घर वापस लाना है। आप मैरिड हो तो एक बहुत ही अच्छी मदर, एक वो एक बहुत अच्छे फादर है, या फिर जो है ना यहाँ पे मुझे मैरिड भी दिख रहा है कि कुछ लोग जो है ना यहाँ पे मैरिड पर्सन के साथ भी जो है ना आप लोगों का रिलेशन है, मतलब कि जो है ना एक होता है ना कि हाँ उनकी भी शादी हो गई है, आपकी भी शादी हो गई है, तो यहाँ पे दोनों की शादी होती हुई मुझे दिख रही है। और एक होता है ना कि थर्ड पर्सन के साथ, मतलब कि आपके हस्बैंड नहीं, उनके किसी और के हस्बैंड और किसी की और की वाइफ, ठीक है, तो ये जो है ना ये रिलेशन भी आप लोग का मुझे दिख रहा है, कुछ लोगों का, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये है एनर्जी, और आपकी कमी महसूस हो रही है कि नहीं उन्हें, तो देखो और क्या महसूस हो रही है उन्हें, उन्हें तो कमी महसूस हो रही है, तभी ये जो है ना आपके पास, ये पर्सन आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं। उस समय ये जो है ना थर्ड पार्टी ने बहुत ही दिमाग लगा के इनको जो है ना यूज़ किया, ठीक है, जब जब काम पड़ा ना तब तब थर्ड पार्टी ने उनको यूज़ किया, और काम निकल जाने के बाद बस क्या किया, छोड़ दिया उन थर्ड पार्टी ने। और यहाँ पे जो है ना एनर्जी वो दिख रही है कि अब आपके पर्सन जो है ना एक्शन लेंगे, ठीक है, एक्शन लेंगे, और अब जो है ना आपको प्रपोज करेंगे, यहाँ पे अब आपको एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे आपकी कमी महसूस हो रही है इन्हें, तो ये क्या करेंगे, अब आएंगे आपके पास, आप अपने ऑफर को, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे, और आपको जो है ना वो ऑफर करेंगे अपने साथ जाने को, अपने साथ ले जाने को, आप लोगों का रिलेशनशिप डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। तो अब जो है आपके पर्सन को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि उनका आगे का फ्यूचर किसके साथ है, थर्ड पार्टी के साथ है या फिर आपके साथ है, ठीक है। तो जो कंफ्यूजन थी, जो भी निगेटिविटी थी, वो खत्म होगी, और यहाँ पे जो है ना टू ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है, तो ये क्लियरली ही मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन आपसे कनेक्टेड हैं, आपकी कमी उन्हें महसूस हो रही है, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में ये ऐसा थिंकिंग करते हैं ना कि मेरा पर्सन वैसा है ना जिसे मैं उस पर विश्वास कर सकता हूँ, लॉयल हैं आप, ठीक है, आप अपने पर्सन के लिए बहुत ही लॉयल हैं, या फिर आपके पर्सन भी यहाँ पे बहुत लोगों के पर्सन भी मुझे लॉयल दिख रहे हैं। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है ना, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन उनकी फैमिली भी हो सकती है, ठीक है। तो ये है, और यहाँ पे और मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना यहाँ पे कोई मैनिफेस्ट भी कर रहा है, मुझे दिख रहा है कि वाइब्स भी मुझे बहुत ही ज्यादा आ रही है कि कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहा है, और ऐसा चाहता है ना कि जल्द से जल्द मुझे मुझे कांटेक्ट करे, बस मेरा पर्सन मुझे कांटेक्ट करे, बस ऐसी वाली जो है ना एनर्जी मुझे दिख रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। आप चाहते हो कि सारी चीजें जो है ना, आपके पर्सन भी बहुत मैच्योर है, आप भी बहुत मैच्योर हो, कोई यहाँ पे मुझे जो है ना ऐसा नहीं दिख रहा है कि मैच्योर नहीं है, बहुत ही मैच्योर दिख रहे हो आप, बैलेंस करके चलने वाले आप भी दिख रहे हो, और आपके पर्सन भी दिख रहे हैं, तो आपकी कमियां जो है ना इनको महसूस हो रही है कि जैसे आप उन्हें संभालते थे ना वैसे थर्ड पार्टी ने उन्हें ट्रीट नहीं किया, थर्ड पार्टी ने बस उन्हें यूज किया, बस अपने काम के लिए यूज किया, उसके बाद देन लेफ्ट हिम लिफ्ट ला, और उन्हें जो है ना ये थर्ड पार्टी जो है ना बस आप दोनों के बीच में ही आई थी आप लोगों को अलग करने के लिए, ठीक है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। और
आपकी कमियां तो महसूस हो ही रही हैं इन्हें, तभी तो ये आपको अब ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं। आपसे यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी आया था, आप लोगों ने देखा ही था, द लवर्स का कार्ड आया था, तो वो कार्ड भी मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ वो रीयूनियन चाहते हैं अब, ठीक है। और ये जो है ना एनर्जी मुझे यही बता रही है। चलो देखते हैं और कुछ और एनर्जीज देखते हैं। हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही है, बिजली भी कड़क रही है, तो थोड़ा सा आवाज आए तो आप लोग मैनेज कर लेना। देखो फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड है, देख रहे हो ना, तो यहाँ पे जो है ना फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन जो है ना अब एक्शन लेने वाले हैं, और आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हो। आपके पर्सन का एक्शन क्या होगा, तो वो जो है ना अब इतनी इनकी कमी, इनको कमी महसूस हो रही है ना आपकी, कि अब इनका जो है ना एक्शन यही होगा कि मुझे अब मैरिज करनी है, मैरिज का प्रपोजल। देखो आप यहाँ पे टू ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो यहाँ पे मैरिज का प्रपोजल तो आपको मिलने वाला है अपने पर्सन से। थर्ड पार्टी ने उनका इतना बुरा हाल किया है ना कि अब वही समझ रहे हैं कि हाँ ठोकर मिली है ना, तब इनके इनकी अकल ठिकाने आ रही है अब, ठीक है। अब वो सोच रहे हैं कि हाँ अब मुझे जाना चाहिए अपने पर्सन को, इतने टाइम से तो इन्हें होश नहीं था, अब आने के बारे में ये सोच रहे हैं। देखो द लवर्स का कार्ड आ ही गया, द लवर्स। तो आप लोग मैंने कहा कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, तो अब आपके पर्सन आने वाले हैं आपके पास और आपसे शादी करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक करेक्शन फील हो रहा है उन्हें, और आपकी कमी उन्हें बहुत खल रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है ना आपके लिए फीलिंग, इनकी ट्रू फीलिंग्स है, ये आपसे आपसे लव करते हैं। भले ही ये थर्ड पार्टी के साथ चले गए थे, बहकावे में चले गए थे, या इनकी मजबूरी थी कोई उसके कारण से चले गए थे, लेकिन लव तो आपसे करते हैं ना। यहाँ पे द लवर्स है, टू ऑफ कप्स है, फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो ये टोटली ही कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि इनका जो है ना पूरा आपके लिए है, क्योंकि ये हम आपके लिए ये रीडिंग कर रहे हैं ना, तो आपके लिए पूरी है एनर्जी इनकी। देखो ये मायूस भी हैं, फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये मायूस भी हैं, इनको रिग्रेट भी फील हो रहा है कि हाँ मैंने गलत किया है, ठीक है। इन्हें महसूस हो रहा है अपनी गलती, और ये भी महसूस कर रहे हैं कि मेरा पर्सन क्या महसूस कर रहा होगा। ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि हाँ मैंने गलती की है, वो मुझे नहीं करना चाहिए था, फिर भी मैंने की, मुझसे हो गई, खुद को ब्लेम कर रही है, लेकिन ये जो है ना अब चीज़ों को सही करने के बारे में सोच रहे हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, इस निगेटिव एनर्जी से जो है ना ये बाहर निकलने की सोच रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। चलो कुछ और कार्ड्स देखते हैं हम। यहाँ पे फाइव ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, मैंने कहा है कि आप इनकी फैमिली प्रॉब्लम है, फैमिली इशूज हैं कुछ, या फिर इनके फ्रेंड्स हैं जो आपके बारे में इनको जो है ना इनकी गलत फहमी क्रिएट करते हैं आपके बारे में, इनका माइंड जो है ना ये ऐसे डाइवर्ट करते हैं, उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। और आपके पर्सन भी है ना कि वो यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, वो यूज़ हो रहे हैं, उनका कोई यूज़ कर रहा है तो वो यूज़ हो रहा है। आप लोगों में ट्रस्ट इशूज़ क्रिएट किए गए, आप दोनों अलग हुए, थर्ड पार्टी ने बहुत अच्छे से रायता फैलाया, उसने प्लानिंग की आप दोनों को अलग करने का, और सब चीज़ वैसे ही हुआ जैसे थर्ड पार्टी ने चाहा, ठीक है। और देखो यहाँ पे थर्ड पार्टी ने अब जो है ना अब इनके फ्रेंड्स ने या फिर थर्ड पार्टी जो भी थी ना, उन्होंने इनका बुरा हाल कर रखा है, ठीक है। तो चलो कुछ और एक कार्ड मैं लास्ट निकालती हूँ कि हाँ कब तक एक्शन लेंगे, मुझे तो ऐसा दिख ही रहा है। देखो देखो ये कार्ड आया मेरे पास, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो वन मंथ, टू मंथ और यहाँ पे फोर वीक्स मुझे दिख रहे हैं कि जो है ना आपके पर्सन आपके लिए एक्शन ले लेंगे, ठीक है। वो एक्शन ले लेंगे आपके लिए, क्या महसूस कर रहे हैं, तो चलो कुछ मैं मैसेजेस निकाल लेती हूँ आप लोगों के लिए, क्या मैसेजेस हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन। मुझे पता है मुझे माफ नहीं करोगे,
इन्हें पता है कि हाँ माफ नहीं करोगे, इन्होंने इतनी बड़ी गलती की है ना, तो इन्हें पता है कि हाँ माफ नहीं करोगे। मैं जानता हूँ आप भी मुझसे मुझसे सॉरी मैं जानता हूँ आप भी मुझ मुझे प्यार करते हो, तो वो जानते हैं कि आप भी उनसे जो है ना उतना ही प्यार करते हो। मैं भी तड़प रहा हूँ, तो वो भी तड़प रहे हैं और आप भी जो है ना ये तड़प रहे हो। चलो देखते हैं। मैं खुश नहीं हूँ, तो वो खुश नहीं है। मैंने कहा है कि हाँ वो खुश नहीं है, उनका दिल जो है ना ये टूटा हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है उनका, और उनको तकलीफ भी हो रही है बहुत, और उस वक्त उस तकलीफ से निकलने का जा जो है ना तकलीफ हो रही है ना, तभी ये आपके लिए इतना महसूस कर रहे हैं, आपके लिए इतना अट्रैक्शन इतना प्यार महसूस कर रहे हैं। चलो ठोकर लगी लेकिन अकल तो आई ना। तो ये रही आज की रीडिंग। सो जिनके साथ रेजोनेट करती है, जिनको अच्छी लगती है, प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।